Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi and in today's session we are going to learn about the Encodable protocol. In today's session, whatever code you use will already GitHub and Google Drive updated. So in order to get the code, what you could do is check the video description, click on the link and download the code for you. That being said, let's begin our today's session. इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये सीखा था कि किस तरीके से आप आपके एप्लीकेशन से डेटा सेंड कर सकते हो सर्वर को विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एपीआईस एंड उतना ही नहीं हमने ये भी सीखा था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप पोस्ट एपीआईस के साथ काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल द लाइन नंबर 46 ओवर हियर जहाँ पर मैंने ये लिखा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है ये कौन से टाइप का डेटा भेजेगा सर्वर को एंड यू हैव टू स्पेसिफाई दिस इन द कॉन्टेंट टाइप. आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ एनकोडेबल प्रोटोकॉल. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स टेक अ स्टेप बैक और पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनकोडेबल होता क्या है और उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि एनकोडिंग क्या होता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्विच टू पावर पॉइंट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है एनकोडिंग का. दैट इज एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू बाइट. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो लेट्स से अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप सामने वाले पर्सन से उसी लैंग्वेज में बात करोगे जिस जो लैंग्वेज सामने वाले को आती है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल जहाँ पे सामने वाले को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, उसे सिर्फ फ्रेंच आता है. एंड ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा नहीं एक इम्पॉसिबल ही हो जाएगा क्योंकि उसे सिर्फ फ्रेंच आती है एंड आपको फ्रेंच नहीं आती है. तो इस केस में अगर आप कुछ बात करने का ट्राई करोगे और सामने वाला पर्सन कुछ बात करने का ट्राई करेगा तो दोनों में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एक इंसान इंग्लिश बोल रहा है जो सामने वाले के समझ में नहीं आ रही है और सामने वाला इंसान फ्रेंच बोल रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रही है. सो इस केस में कम्युनिकेशन फेलियर्स हो सकते हैं बिकॉज नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू ईच अदर. लेकिन कंप्यूटर्स के केस में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है विच इज़ बाइनरी. ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पर भी हो कंप्यूटर्स दे अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग दैट इज बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ जीरोज एंड वंस. तो आप जो कोड करते हो इंग्लिश में एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी लैंग्वेज में एंड इस ट्रांसलेशन को एनकोडिंग बोलते हैं. दैट इज़ यू आर राइटिंग कोड इन टेक्सचुअल इंग्लिश एंड दिस इंग्लिश इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इन टू अ बाइनरी फॉर्मेट एंड दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. एनकोडिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी हैं बट दिस इज वन यू नो लाइक वन कॉमन टाइप ऑफ एनकोडिंग जो हम लोग डेली करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं. सो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये तो हो गया एनकोडिंग के बारे में लेकिन एनकोडिंग का और मेरे पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट का क्या लेना देना. सो द आंसर टू दैट इज़ कि आपका जो iOS एप्लीकेशन है वो एक सिस्टम है और आपके सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है. सो इट मेक्स मोर सेंस कि बिफोर यू सेंड इन्फॉर्मेशन टू द अदर सिस्टम आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसे एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि हमें यह पता है कि कंप्यूटर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब दे अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग विच इज़ जीरोज एंड वंस दैट इज़ बाइनरी. सो हमारे पोस्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि वी हैव सीन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जहाँ पे हम लोग के पास एक डेटा डिक्शनरी था. उस डेटा डिक्शनरी को हम लोगों ने क्या किया, डेटा में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ जेसन सीरियलाइजेशन. एंड व्हाई वी डिड दैट, वी डिड दैट बिकॉज द अदर सिस्टम जो एपीआई है उसे सिर्फ बाइनरी पता है. वंस यू गिव द इन्फॉर्मेशन उसके बाद एपीआई उसे प्रोसेस करेगा और अकॉर्डिंगली एक आउटपुट थ्रो करेगा. सो एनकोडिंग इज डन, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. एक तो हम लोगों ने देखा कि जेसन सीरियलाइजेशन के थ्रू होता है एंड देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज द एनकोडेबल प्रोटोकॉल. और यहाँ पे जो डेफिनेशन है अगर आप इस डेफिनेशन को रीड करो देन नाउ इट इज मेकिंग मोर सेंस कि अ टाइप दैट कैन एनकोड इटसेल्फ टू एन एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन. और ये जो Encodable है, it is a protocol. It is not a class, it is not a structure, but a protocol. So right now what we are going to do is we are going to see कि किस तरीके से हम लोग Encodable का use कर सकते हैं in order to post data to the server. So what I'll do, I'll switch back to Xcode. And in order to make this change, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि I have a look at the post API. मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे input क्या add करना है, what are my input parameters. And you can see there is first name, last name, email and password. सो वॉट आल डू इज जिस तरीके से हम लोगों ने डिकोडेबल के वीडियो में देखा था कि हम लोग एक रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं. इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस आई एम डीलिंग विद पोस्ट और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन एक एपीआई को भेजना है विच इज़ एक्सटर्नल. एक्सटर्नल यानी कि विथ आउटसाइड द स्कोप ऑफ योर एप्लीकेशन. सो वॉट आल डू इज आई क्रिएट ए रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर. यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विल इनहेरिट फ्रॉम
the encodable protocol. Aur yahan pe what I'm going to do is I'm going to say let first name, last name, email and password, they are all string. Over here if you have a closer look, to mera jo input parameter hai, you can see that over here what I've coded is first name, lekin jo input parameter jo meri API accept karti hai, that is first underscore name and last underscore name. So what I have to do over here is ki jaisa maine decodable ke session mein dikhaya tha ki you can make use of encoding keys to do such transformations. So what you can do is you can make use of coding keys and yahan pe aap Swift ko explicitly bol rahe ho ki jo first name hai please map it to first underscore name, jo last name hai please map it to last underscore name and email and password can remain the same. So yahan pe abhi aapka ek request structure taiyar ho chuka hai which is inheriting from encodable. Let's see how we can use this. So over here in the previous session what we have used is ki hum logon ek data dictionary banaya tha. And what I want to do is I want to keep this code as it is kyunki hum log ye code ko improve karenge. So I want a basic comparison ki pehle code kaisa dikhta tha aur abhi code kaisa dikh raha. So what I'm going to do is I'm going to create a new function and I'll say function register user with encodable protocol. And eventually what I'm going to do is I'm going to copy this and I'll paste it over here. Aur yahan pe let us see ki kya kya change hone wala hai with the introduction of encodable. So I can get rid of this data dictionary. I don't need this data dictionary anymore. Iski jagah pe what I'll do is I'll say let request is equals to aapka user registration request. जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसे आप वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे. सो आई विल से दिस इज गोइंग टू बी रवि, दिस इज गोइंग टू बी कोडकैट 15, ईमेल कैन बी कोडकैट 15 एट द रेट gmail.com एंड द पासवर्ड इज 1234. प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि जेसन सीरियलाइजेशन यूज किया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटा. बट इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एंड वी आर गोइंग टू से ट्राई. There is something called as JSON encoder. जिस तरीके से JSON decoder है उसी तरीके से JSON encoder encoder भी है. Decoder का use case हमने already देख लिया कि decoder को आपको कब use करना चाहिए, that is when you are getting an output from the server. Encoder को आपको तब use करना चाहिए जब आप एक input send कर रहे हो server को. So what I'll do is I'll say JSON decoder dot encode. और अगर आप ये encode देखो तो you can see the encode returns you a data. और जो ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है दैट वैल्यू नीड्स टू इनहेरिट फ्रॉम द एनकोडेबल प्रोटोकॉल और शुड आई से इट हैज टू बी द एनकोडेबल प्रोटोकॉल. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से जो हमारा रिक्वेस्ट है दैट इज यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द एनकोडेबल प्रोटोकॉल. सो वी शुड बी ओके ओवर हियर एंड आई थिंक रेस्ट ऑल द अदर कोड कैन रिमेन द सेम. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज right now I'm going to run the application to see ki hame output kya mila. So let me get rid of this and I'll say register user with encodable protocol. I'll save this and I'll run this. So it's taking some time. There you go. So yahan pe aapko ek response mila, that is error message kuch aaya nahi hai and you can see that the data is aapko name aa gaya jo aapne name enter kiya tha, ye aapka last name hai. The email is also the same जो भी आपने enter किया था and the ID is whatever the ID got generated and the joining date is 2022-15. यहाँ पे let me do one more thing कि जब ये encode होता है whenever this value is encoded तो let us see internally जो हमने यहाँ पे transformation की थी that is जो first name है उसकी value first underscore name को bind होनी चाहिए, जो last name है उसकी value last underscore name को bind होना चाहिए. तो चलिए एक काम करते हैं, इसे देखते हैं कि बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट बॉडी ये दिखता कैसे है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओवर हियर आई विल राइट अ स्मॉल पीस ऑफ कोड एंड आई वुड से लेट नॉट लेट आई वुड से डीबग प्रिंट रिक्वेस्ट बॉडी बिफोर सेंडिंग टू पोस्ट एपीआई इज इक्वल्स टू एंड यू कैन से स्ट्रिंग एंड वी नो दैट स्ट्रिंग के पास एक फंक्शन है दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड
what you could do is जो आपका request body यहाँ पे बना, you can paste it over here and the encoding can be UTF-8. All right. So now let me just stop this and let me run this again. Let me take this guy up. So as you can see over here, यहाँ पे request body before sending to post API print हुई है. And if you see first underscore name or last underscore name, यहाँ पे इनको जो value assign हुई है, that is first name has got Ravi. So let me just, yep. So first name has got Ravi and the last name has got CodeCat15. लेकिन यहाँ पे तो आपने first name लिखा था, तो ये first underscore name कहाँ से आया? And that is because you have used coding keys and you are telling Swift कि जो भी first name है, convert it to first underscore name और जो भी value first name को assigned है, please assign it to first underscore name. तो ये जो conversion है, Swift internally करता है. And before you send a request to the server, this is how your JSON looks. यहाँ पे एक और चीज़ note करने वाली ये है, which is the encode over here. ये जो encode है, if you look at the description, encodes the top level value and returns its JSON representation. यानि कि एक JSON representation आपको return करता है. Previously, I think what we were doing is was more or less the same thing. अगर आप JSON serialization को भी debug print करके देखो, तो ये भी आपको एक JSON representation ही देगा. And that is because जो आपका API है, it accepts application/JSON. यहाँ पे Swagger का एक और फायदा ये है कि जो भी आपका request body है, इसमें पता चल जाता है कि ये जो API है, इसकी जो request body है, इस request body का type क्या है, so that you can write appropriate values in the content type, which is over here. उसी तरीके से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो request body है वो application JSON रहेगा. There are certain APIs जहाँ पे request body अलग भी हो सकता है. So in this particular case, you can see that this is multi-part form data. और multi-part form data को request करने का थोड़ा सा एक अलग process है. But for now, let us bring back our focus to this particular API. And what I'm going to do over here is, I will say encode. So पहले जैसा कर देते हैं. I will get rid of this. मुझे एक और चीज़ यहाँ पे पसंद नहीं आ रही है, and that is कि मैं किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ string data show कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं JSON decoder use करूँ यहाँ पे. So JSON decoder को use करने का सबसे पहला step ये है कि you have to know कि आपका जो API है ये output कौन से type में return कर रहा है. So what I'll do is I'll say try it out and I will say Ravi, I will say CodeCat15, the email can be CodeCat15@gmail.com, the password is 1234. अब जब मैं इसे execute करता हूँ, so what will happen is it will give me a particular response. So as you can see, यहाँ पे मुझे एक response मिल चुका है. And not only that, अगर आपने यहाँ पे URL देखा है, तो what the URL shows कि यहाँ पे जो content type है, this is application/JSON. तो ये एक और benefit है when you're using Swagger कि आपको बहुत सारी चीजें Swagger documentation ही बता देता है कि आपको content type क्या pass करना है, आपका जो request body है, you know like what does it accept application JSON या फिर ये कुछ अलग type में data accept करता है. So things become very simple when you're using Swagger. So right now what I'm going to do is I'm going to copy this. And as you have seen in my past videos, main se yahan pe paste karunga. And this website, which is app.quicktype.io, this is going to give me a representation. So let me just copy this. And in my code, I'll just go ahead and paste it somewhere over here. Yahan pe, क्योंकि we are not using welcome, तो यहाँ पे naming सही नहीं हुई है, so let us name it right. What I would do is I would name this as user registration response. और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने already user एक बार use कर लिया, so ये जो data class है, what I'm going to do is I'm going to rename this to user response or better user data. So I'll copy this and I'll paste it over here. लेकिन ये जो response है, ये जो user registration response है, it is inheriting from Codable. Codable, I am going to explain in couple of minutes. But for now, let us use Decodable. Because there is a use case for using Codable.
सो फॉर नाउ लेट अस जस्ट स्टिक विद डिकोडेबल. और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है मैं उसे डिकोड करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई वुड से लेट डिकोडेड रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू यू वुड से जेसन डिकोडर डॉट डॉट डिकोड. और क्योंकि ये जो डिकोडेबल है ये डिकोड करते वक्त एक एक्सेप्शन थ्रो करता है. सो व्हाट आई शुड बी डूइंग इज डू ट्राई कैच और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ. आई वुड से लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू जेसन डिकोडर डॉट डिकोड एंड दिस कैन बी यूजर रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स बिकॉज आप देख सकते हो कि इट इज जनरेटिंग फ्रॉम द डिकोडेबल प्रोटोकॉल. सो यू कैन जस्ट से रेस्पॉन्स डॉट सेल्फ फ्रॉम डेटा आई वुड से डेटा और यहाँ पे what I can say is try, I would say decoded, decoding error, बोल सकते हैं इसे, and debug print is decoding error. थोड़ा सा space कर देता हूँ so that you know like एक थोड़ा congested ना लगे अपना code. And right now, let's see, okay. और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा दैट इज दिस रेस्पॉन्स. आप देख सकते हो यूज़र रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स है. इसके अंदर इट इज़ हैविंग समथिंग कॉल्ड एज डेटा और नेम. मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रन दिस एंड लेट सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आई विल गेट. सो व्हेन आई रन दिस आप देख सकते हो कि मुझे आउटपुट प्रॉपरली आया दैट इज रवि कोडकट 15. सो आई थिंक अभी हमें एक जनरल आइडिया आ चुका है कि एनकोडेबल प्रोटोकॉल हमें कब यूज़ करना चाहिए और वो करता क्या है. नॉट ओनली दैट व्हाट वी हैव डिड इज वी हैव आल्सो सीन द यूज़ ऑफ जेसन एनकोडर और जेसन एनकोडर हमें कब यूज़ करना चाहिए. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं जेसन एनकोडर और डिकोडर दोनों का यूज़ कर रहा हूँ. आई थिंक इस वीडियो में हम लोगों ने एनकोडेबल प्रोटोकॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं क्लीन कोड प्रैक्टिस आपको नहीं दिखा सका कि हम किस तरीके से इस कोड को क्लीन कर सकते हैं. बट नेवर द लेस वॉट एम गोइंग टू डू इज़ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो अक्सर या संडे या मंडे को आते हैं. वॉट एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू रिलीज अन पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट वीक सो दैट यू गाइज कैन हैव अ लुक एट इट. आई नो दैट मेनी पीपल आर स्टिल वेटिंग कि आप कोडेबल कैसे यूज़ करोगे या फिर आप पोस्ट ए पी आई का कोड कैसे क्लीन करोगे, हाउ टू मेक दी एच टी पी यूटिलिटी. आई हैव गॉट अ गुड फीडबैक फ्रॉम दैट वीडियो. सो वट आई डू इज़ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीक के यू नो लाइक बाय वेंसडे मैं एक और वीडियो रिलीज़ करूं विच विल एक्सप्लेन कि आप किस तरीके से आपके पोस्ट एपीआई का कोड क्लीन कर सको और उसे और बेटर बना सको. समथिंग विच इज़ प्रिटी क्लोज टू व्हाट वी हैव ओवर हियर. आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस विद योर आईओएस ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी एनकोडिंग. बाय बाय.